नमस्कार, मैं देवांशी, दिव्य भारत न्यूज से। आइए देखते हैं आज की खबर। जिले के विश्वविख्यात बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के मानपुर बफर परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम पटेरा में बाघ की फिर मौत हुई है। बाघ का शव 3 से 4 दिन पुराना और शत विकसित अवस्था में नाले के किनारे गांव वालों ने देखा और पार्क प्रबंधन को इसकी सूचना दी। आपको बता दें कि घटना की जानकारी मिलते ही पार्क टीम मौके के लिए रवाना हुई है। बाघ के मौत के कारणों की जाँच की जा रही है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों की लगातार मौतें रहस्य से कम नहीं है। वन्य प्रेमी ऐसी घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। देखना होगा भडारी और पठेरा के करीब मौजूद तोलियाडाट पर हुई टाइगर की मौत का क्या सच सामने आता है। मानपुर परिक्षेत्र के ग्राम पठेरा में एक जंगली नाला है, छुआही नाला जिसको बोलते हैं, वहां पर एक टाइगर का शव मिला है जो बिल्कुल बहुत मतलब खराब हालत में है। कुल मिला के उसको जो प्राथमिक दृष्टि अपन देख रहे हैं टाइगर को, तो वो मेरे को ऐसा लगता है कि 5 से 6 दिन पुराना वो है। हालांकि पीएम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो सकेगा कि टाइगर की मौत कब हुई है। इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टाइगर 5 दिन 6 दिन से ख़त्म है और प्रबंधन को जानकारी नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कल देर रात गश्ती दल ने उस नाले में और टाइगर को देखा है, जिसके बाद प्रबंधन को जानकारी मिली है, उसके बाद वो अलर्ट हुआ है। लेकिन कारण अलग अलग है बाघों की मौत को। कभी 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 आपसी संघर्ष होता है, कभी किसी बीमारी की वजह से टाइगर की मौत हो जाती है ना, तो कई अलग अलग है। एक बार तो बहुत दिन पहले की बात है, बाघ किसी जानवर को किल किया था और किल करने के बाद जो स्थानीय लोगों का आरोप था या कि उस पर जहर वगैरह डाल दिए थे, कोई कीटनाशक दवा, जिसके बाद बाद में टाइगर की मौत हो गई। तो अलग अलग वजह है। जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो टाइगरों की मौत हो रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा संख्या के आधार पे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला है। हम सबका ये प्रयास है कि टाइगर हमारे सुरक्षित रहें और अच्छे से रहें, तो ये अच्छा होगा। ऐसी घटनाएँ जो है वन प्रेमियों के लिए खासा आघात पहुँचाने वाली होती है। ऐसा लगता है कि वन्य प्राणियों की देख रेख में कहीं ना कहीं पार्क प्रबंधन में चूक हो रही है। हालांकि इस चीज़ को अपन बोलना नहीं चाहिए, पर जिस तरीके से रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो बाघों की रेगुलर मौतें हो रही हैं, उससे कहीं ना कहीं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की बड़ी चूक सामने आ रही है और बड़ी लापरवाही भी दिख रही है। ज़रूरी है कि जो धरातल पे जो गश्ती दल वगैरह जो काम कर रहे हैं या जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा और टाइट किया जाए, जिससे वन्य प्राणियों की जो मौतें हो रही हैं उस पर थोड़ा सा अंकुश लगेगा। और साथ ही साथ जो प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप जो टाइगर्स को अपने को सुरक्षित रखना है ना, तो उस दिशा में भी हमारे बेहतर प्रयास हो सकेंगे।